Hey guys, welcome back to my channel. So, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इफेक्टिव वाला है। मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर नहीं हूँ बट ये जो सारे प्रोडक्ट है मेरे पे बहुत अच्छे से सूट करते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। मेरी स्किन बहुत ही ब्राइट ना शाइनिंग वाली लगती है। सो मैं आज की ये वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मैं सिंपल ये सारे स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ मॉर्निंग में, वही मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। पसंद आती इस वीडियो करना है लाइक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साइड में नोटिफिकेशन का बेल है उसको प्रेस करना है। सो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तरफ आ जाएगा। सो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए एक जेंटल वाला फेस वॉश यूज करूंगी। सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये पियर्स का फेस वॉश। बहुत ही माइल्ड है, जेंटल है, एकदम सॉफ्ट, एकदम जेल बेस है। आपकी ऑयली स्किन है तो ये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। मेरी भी ऑयली स्किन है सो मैं पियर्स का ये प्योर एंड जेंटल फेस वॉश यूज करती हूँ। 98% ग्लिसरीन है इसमें। बहुत इसे लगाने से अच्छे से फेस क्लीन हो जाता है, प्लस आपके फेस पे एक सॉफ्टनेस आ जाता है। मतलब आपके फेस पे जब ऑयली स्किन हो तो ऑफकोर्स ऑयल आता होगा, तो ऑयल आने से जो चिपचिपानेस है वो रिमूव हो जाएगा और आपका फेस एकदम क्लियर हो जाएगा। सो मॉर्निंग में फर्स्ट मैं अपना फेस वॉश करती हूँ इससे। करंटली ये मेरा फेवरेट है। आपका स्किन टाइप कौन सा भी हो ये फेस वॉश सब स्किन टाइप पे चल जाता है। सो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए आप, और ऑयली स्किन हो तो मस्ट ट्राई दिस फेस वॉश। उसके बाद मैं करूंगी स्क्रब। ये स्क्रब मेरा मोस्ट फेवरेट है। हर एक वीडियो में आपको इस स्क्रब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ। ऑयल आने से आपको फेस पे पिंपल्स फिर ब्लैक एज वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। सो ये बेस्ट फेस वॉश है, इससे अच्छे वाली स्क्रबिंग हो जाती है। मैं वीक में 2 बार स्क्रब करती हूँ, बट ये जो लोटस का स्क्रब है ये बेस्ट है। आपके बहुत ज्यादा व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स होंगे तो उससे अच्छे से वो रिमूव करेगा। सो मैं इसको यूज करती हूँ, और इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही रफ है, उससे ना अच्छी वाली डीप वाली स्क्रबिंग हो जाती है, और जो भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जो भी डर्ट एक्युमुलेट हुई है आपके फेस पे उससे वो रिमूव करता है, और आपके फेस एकदम ब्राइटनर हो जाता है। मतलब आपके फेस में जो भी डेड स्किन है उसको रिमूव करता है। प्लस आपको लगाना कैसे, आपके नोज के अराउंड आपको पहले लगाना है, मतलब आपके टी जोन पे आपको पहले लगाना है, उसको अच्छे से रब करना है, मतलब जेंटली रब करना है। आप जोर जोर से घिसना नहीं आपके स्किन पे, पीछे से अच्छे से आप स्क्रबिंग करोगे तो आपके सारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। सो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ ये स्क्रब आप जरूर ट्राई कीजिए। सारे जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके जाऊंगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। स्क्रब होने के बाद हमें लगाना है टोनर। यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का टोनर लगाती हूँ। आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर भी टोनर की तरह यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का टोनर यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, जैसे आपको फेस पे 3-4 पंप स्प्रेड करना है नेक पे और फेस पे, और उसको थोड़ा सा टैबिंग मोशन में टैप करना है क्योंकि अच्छे से वो आपके स्किन में जाए। आपको टोनर इसलिए लगाना है कि आपका पीएच भी बैलेंस रहता है, और जो भी आपकी स्क्रबिंग होने के बाद आपके जो पोर्स ओपन उनको मिनिमाइज करने का काम टोनर करता है। सो आपको पोर्स मतलब आपको बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आपको टोनर जरूर स्किन केयर में ऐड करना है। और टोनर लगाने के बाद मैं अपने लिप को हाइड्रेट रखती हूँ, सो इसलिए मैं लिप बाम यूज करती हूँ। यहाँ पे लिप बाम में बायोटिक का यूज करती हूँ, बायोटिक का बायोफ्रूट वाइटनिंग लिप बाम। ये बहुत ही अच्छा है, ये मैं यूज करती हूँ। थोड़ा सा रेडिश है, मतलब आपके लिप थोड़े से रेड रेड हो जाएंगे, तो इससे अच्छे से आपके स्किन मॉइस्चराइज हो जाते हैं। सो ये है फ्रूट वाला लिप बाम है बायोटिक का, ये करंटली मैं यूज करी। बहुत ही अच्छा है, इससे लगाने से ना लिप आपके क्रैक भी नहीं होते, मॉइस्चराइज रहते हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं इसे लगाने से। तो मैं इसे जरूर लगाती हूँ अपने स्किन केयर रूटीन में अपने लिप को हाइड्रेट रखने के लिए। उसके बाद मैं लगाती हूँ ये गार्नियर का ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी सीरम क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि इसमें सीरम भी है प्लस क्रीम भी है, सो मतलब डबल बेनिफिट्स मिल जाएंगे इससे। बहुत ही अच्छी वाली, इसे लगाने से आपका फेस थोड़ा सा, फेस का जो टेक्सचर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्लाइटली व्हाइटिश इफेक्ट देता है। उसके बाद एक मिनट में वो अपने आप अपने स्किन में अच्छे से बैठ जाता है। सो विटामिन सी आपको यूज करना चाहिए आपके, क्योंकि विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए। आपके जो भी डेड स्किन है उसको रिपेयर करता है, जो भी आपके डार्क स्पॉट है उसको रिमूव करता है, जो भी आपके पिंपल्स आए हैं पिंपल्स के डार्क स्पॉट आए एक्ने के मार्क्स है उसको वो रिमूव करता है, और अच्छा से स्किन को अच्छे से रिपेयर करता है। तो विटामिन सी सीरम क्रीम तो मैं डेफिनेटली, आप विटामिन सी सीरम यूज करो वो भी अच्छा है। सो मैं विटामिन सी सीरम की क्रीम यूज करती हूँ, ये बहुत ही अच्छी है। मतलब
मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। सो ये मैं यूज करती हूँ। सो इसे लगाने से एक काम तो बचत, मतलब इसमें सनस्क्रीन का भी काम, मतलब सन प्रोटेक्शन का भी काम हो जाता है, क्योंकि इसमें SPF भी दिया हुआ है। सो आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हो। बट इसमें उन्होंने इनबिल्ट सनस्क्रीन का भी यूज किया है, सो विटामिन सी सीरम। सो मैं इसे लगाने के बाद सनस्क्रीन कभी कभी अवॉइड करती हूँ, कभी कभी जरूरत है बहुत ही सन, मतलब सन में डायरेक्ट जाना है, तो कभी कभी मैं लगाती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती। उसके बाद मैं यूज करती हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मस्ट है आपको लगाना, आपको मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना। यहाँ पर मैं निव्या का मॉइस्चराइजर, सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम लगाती हूँ। मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट लगा देती हूँ, ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से भी आपका फेस चिपचिपा लगता है। सो बहुत ही कम प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ, उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। सो दैट्स इट गाइस, ये रहा मेरा सिंपल एंड इफेक्टिव वाला मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। ये सारे जो प्रोडक्ट है उसके नीचे उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके जाऊंगी। ऐसा नहीं मैं जो सारे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वही सारे प्रोडक्ट आप लगाओ, ये सारे प्रोडक्ट मेरे पे सूट करते हैं अच्छे से। आप चाहे तो उसे लगा सकते हो, बट आपको मॉर्निंग स्किन केयर आपका बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि स्किन केयर में आप ध्यान अच्छे से स्किन केयर करोगे तो आपके कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यू आपको नहीं आएंगे। आपकी स्किन हमेशा हेल्दी और ब्राइट अप दिखेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को करना है लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, और साइड में नोटिफिकेशन का बेल है उसको प्रेस करना है। सो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव योर सेल्फ।